लोगों को कसूर की एक ऐसी जगह पे लेकर जाने लगी हूँ जिसका मुझे किसी ने रेफर नहीं किया, बस मैंने गुजरते गुजरते देखी थी और मुझे वो इतनी अट्रैक्टिव लगी कि मैंने सोच लिया कि मैंने वहां पर जाना है तो जाना ही जाना है। सॉरी, मैं मुझे लगता है मैं ज्यादा पोटेंशियल ले आई हूँ तो, लेकिन यूट्यूब की वीडियो पे पोटेंशियल होना बहुत जरूरी है। तो अब मैंने जाकर देखना है कि जितनी वो बाहर से अच्छी लग रही थी क्या वो उसका खाना भी उतना अच्छा है कि नहीं। अच्छा, मैं रुकी इसलिए गई क्योंकि मैं ये चाह रही थी कि मैं आप लोगों को ना बताऊं कि मैं कहां जा रही हूं, तो मैं कसूर के अच्छे खाने की तलाश में ही निकली हूं। तो अब हम देखते हैं कि उस जगह की जितनी एम्बियंस अच्छी है क्या उतना अच्छा वहां का खाना है या नहीं। तो आइए चलते हैं। तो भाई, मैंने सोचा था कि ना वो जो रेस्टोरेंट है ना वो शाम के टाइम ज्यादा हसीन लगता है, तो मैंने ना शाम का टाइम ही सिलेक्ट किया। तो अभी मैं इंतजार कर रही हूँ उन सब का, वो लोग अंदर से आते हैं तो फिर हम चलते हैं। सो ये रहा हमारा खानदानी रिक्शा जिस पर हमने आज का सफर तय करना है। अब हम वेट कर रहे हैं पापा का कि वो भी आ जाए, और ये देखें पापा भी आ गए। अगर बात की जाए लोकेशन की तो आप लोगों को आना पड़ेगा शहबाज रोड। फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच चुके हैं। सो माई डियर ऑडियंस, दिस इज द मेन एंट्रेंस। एंटर होते ही आपको ये दिखेगा खूबसूरत सा फाउंटेन, और अगर आप लोग भी मेरी तरह शोखे हैं तो फिर मेरी तरह ये शोखियां मारिएगा, बिकॉज दिस इज द परफेक्ट प्लेस टू टेक अ पिक्चर। आइए आपको मैं दिखाती हूँ यहाँ की एम्बियंस, जो कि नो डाउट बहुत ही ज्यादा एस्थेटिक है। खैर, एंटर होते ही आपको मिलेंगे इनके कुकिंग स्पॉट्स जहां पर ये लोग फ्रेश कुकिंग कर रहे हैं। पर्सनली इस जगह को विजिट करते हुए आई वॉज रियली फीलिंग लाइक दैट आई एम इन होम। आइए आपको इनके काम के नजारे करवाती हूँ। तो आइए अब मैं आपको इनकी आउटडोर सिटिंग विजिट कराती हूँ, जो कि इतनी ही कोई खूबसूरत और एस्थेटिक है कि आप एक दफा यहाँ पर बैठ जाएंगे तो उसके बाद आपका यहाँ से उठने का मन नहीं होगा। सीरियसली गाइज, मुझे नहीं पता था कि कसूर में इतने खूबसूरत स्पॉट्स भी मौजूद हैं। पर्सनली मैं इनकी सिटिंग अरेंजमेंट की ना फैन हो गई हूँ। आ जाएं, अब आपको दिखाती हूँ इनकी इंडोर सिटिंग। इंतहाई पीसफुल इन्वायरमेंट है। पर्सनली मेरा दिल कर रहा था कि हम बाहर बैठें, लेकिन जब मैं अंदर आई, अंदर का पीसफुल इन्वायरमेंट देखा तो मैंने सोचा नहीं, अब हमें ना अंदर ही बैठना चाहिए। सो गाइज, वीडियो के यहां तक आप लोग आ गए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इज इट फेयर? नो, इट इज नॉट फेयर गाइज। चले जल्दी से सब्सक्राइब करें जाके। तो हम करने लगे हैं ऑर्डर डिस्कस कि हमें यहाँ से क्या ट्राई करना चाहिए। स्पेशल क्या? स्पेशल कढ़ाई बारबेक्यू। इतनी डिस्कशन के बाद इन्होंने मुझे पकड़ा दिया मेन्यू और कहा कि तुम ही डिसाइड करके बताओ कि क्या ऑर्डर करना है। अब ये प्रॉब्लम भी मैं सॉल्व करूं? अभी ने क्या बताएं कि मैं खुद एक कंफ्यूज पर्सन हूँ। मुझ पे छोड़ेंगे तो मैं तो पास्ता वगैरह ही ट्राई करूंगी ना। आप लोग तो जानते हो कि आप लोगों की बहन को एक तो पास्ता पसंद है और दूसरा पसंद है चावल, क्योंकि मैं पंजाबी हूँ। हाँ, मान लिया पास्ता पंजाबियों को नहीं पसंद होता, पर यहाँ मेरी प्रायोरिटीज थोड़ी सी डिफरेंट है।
तो आइए मैं आपको इनका मेन्यू कार्ड दिखाती हूँ, और अगर आप लोगों ने भी यहाँ विजिट करना है तो आप लोग इस मेन्यू कार्ड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। खैर, ऑर्डर करने के बाद आप लोगों को सब्र और इत्मीनान का मुजाहरा करना है, जैसे कि ये लोग कर रहे हैं और जैसे हम लोग कर रहे हैं। हम वेट कर रहे हैं क्योंकि आपका मील जो है वो बाहर फ्रेश रेडी हो रहा है। उतनी देर तक आप लोग गपशप करें। लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना जाकर मेकिंग देखी जाए कि खाना कैसे तैयार किया जा रहा है। तो माय डियर ऑडियंस, कम फॉलो मी। मैंने सोचा कि अब हमें करना चाहिए खाने का वेट। एंड देन फाइनली वी रिसीव्ड आवर मील। क्योंकि हम लोग पहले से खाना खाकर आए थे इसलिए हमने ऑर्डर किया था हल्का फुल्का। सो हमने इनका स्पेशल पास्ता ऑर्डर किया था और इनके ऑर्डर किए थे एग फ्राइड राइस। प्रेजेंटेशन वाइज तो इट वॉज वेरी गुड, आई मीन इट लुक्स वेरी वेरी टेस्टी। फिर मैंने सोचा कि थोड़ी सी फूड ब्लॉगर बनने की एक्टिंग करती हूँ। पापा से कहा कि आप ट्राई करके बताएं कि आपको इनका टेस्ट कैसा लगता है। तो यार लुक वाइज तो ये 10/10 है। अब देखते हैं कि पापा को इनका टेस्ट पसंद आता है या नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं उनके एक्सप्रेशन से ही कि उनको टेस्ट पसंद आ गया। Excited to taste it. यहाँ पर मेरे टेस्ट बर्ड्स एनालाइज कर रहे हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। यार मुझे एक स्पून से समझ नहीं आती टेस्ट की, मुझे सेकंड स्पून चाहिए होता है। ट्रस्ट मी गाइज, इसका टेस्ट मुझे इतना अच्छा लगा, आई कांट टेल यू। अब बारी है सारा के रिव्यूज लेने की। तो आप लोग समझ गए ना इसके एक्सप्रेशन से इसका रिव्यू। और अब दुआ ने कहा कि मैं क्यों पीछे रहूं। तो इसको भी पसंद आ गया, हालांकि इसकी कोई चॉइस नहीं है। और दुआ को तो सब कुछ पसंद आ जाता है ना। उसके बाद ये सब इस पे टूट पड़े। ओ, 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 ओ,
फ्राइड राइस ट्राई करने की। तो हम पहले बिगाड़ते हैं इसकी गार्निशिंग। तो यार मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इनका टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मुझे इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतना अच्छा टेस्ट होगा, बट इसका टेस्ट वाकई ही वर्थ इट है। नो डाउट जैसी एम्बियंस है वैसा ही इनके खाने का टेस्ट है, मतलब एस्थेटिक। आप लोग बिल देख सकते हैं। फिर मैंने सोचा कि जाने से पहले थोड़ी सी बाहर शोखियां मार लेती हूं। तो मुझे यहां का खाना बहुत अच्छा लगा, मेरी तरफ से फुली रिकमेंडेड है, आप लोग एक बार यहां पर विजिट जरूर करें। पर्सनली मैं बताऊं तो इनका नाम बहुत अट्रैक्टिव है, जैतून। फिर गुजरते गुजरते हमारा आना हुआ खलील बेकरी, वहां से हमें कुछ चाहिए था। तो यहां से हमने लिया था इनका सैंडविच और वो लेके अब हम जाने लगे हैं घर। हाय एवरीवन, तो मैं वहां से होकर वापस आ चुकी हूँ। ओवरऑल खाना अच्छा था, ठीक है, और एम्बियंस तो अमेजिंग थी, ठीक है। तो बाकी नेक्स्ट मुझे किस जगह जाना चाहिए वो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं ताकि मैं वहां पर जाऊं। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।